हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा ब्लॉग एंड शॉर्ट पर स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं खिदिरपुर लक्ष्मी मंदिर अपने पति और बच्चों के साथ। तो अभी ट्रेन में बैठ गए हैं, सियालदह से मतलब दमदम से सियालदह जाएंगे, फिर वहां से बस पकड़ के खिदिरपुर में जाएंगे। तो चलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं लक्ष्मी मंदिर। तो देखिए, फाइनली यहाँ लक्ष्मी मंदिर में आ गए हैं। यहाँ तो वीडियो बनाना मना है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कोशिश ट्राई की है कि वीडियो बना लेते हैं थोड़ा, इसलिए यहाँ पे कुछ बोलेंगे नहीं पर वीडियो बना लेंगे। तो अभी आप कुछ यहाँ का नज़ारा देख लीजिए लक्ष्मी मंदिर का। और देखिए, लक्ष्मी मंदिर में शांति बनाए रखना है, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, तो इसीलिए शांति से बना रहे थोड़ा वीडियो। और यह ओपनिंग का टाइम है सुबह 5 बजे लेकर 11 बजे तक खुला रहता है, फिर शाम के 4 बजे से ओपन होता है, उसके बीच में 11 बजे बंद हो जाता है, इसलिए 4 बजे चालू होता है। तो आसपास का कुछ नज़ारा आप लोग देख लीजिए कैसा लग रहा है। हाँ है, अरे अभी तो ये था, और हम भी फर्स्ट टाइम यहाँ मंदिर में आए हैं। हम भी कभी आए नहीं है खिदिरपुर ये मंदिर में, तो फर्स्ट टाइम ही आए। और इधर बगल बिल्डिंग दिखा रहे थे, कितना बड़ा बिल्डिंग है। ये मंदिर का आसपास का एरिया है, तो वही दिखा रहे हैं आपको। अंदर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, और माँ का भी जो लक्ष्मी माँ का मैं वीडियो दिखाऊंगी, तो मैं थोड़ा दूर से ही दिखाऊँगी क्योंकि पास से देखना वीडियो बनाना मना है। तो इसीलिए हम लोग इधर बैठ के ही थोड़ा सा माँ का क्लिक आपको दिखा पाऊँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखा। बोलो कहाँ आई हो? हम लोग आए लक्ष्मी मंदिर, बस और ज्यादा कुछ नहीं बोल। हाय, आज हम आए लक्ष्मी मंदिर। ये देखिए, मेरी बहन है और ये भी मेरी बहन है, ये बहुत रोती है, खाली हर समय रोती रहती, और ये भी मेरी बहन है। आप लोग भी कभी लक्ष्मी मंदिर आए हैं? कहाँ से आए हैं? अगर आपको यहाँ पे आना है तो सियालदह से आप बस पकड़ सकते हैं, तो आप बस वाले को बोलेंगे खिदिरपुर बॉडीगार्ड डॉक्टर सुधीर बोस रोड पहुँचा दीजिए वहाँ लक्ष्मी मंदिर, तो कोई भी पहुँचा देगा। जिसको यहाँ लक्ष्मी मंदिर आना है, तो आप सियालदह से आ रहे हैं तो आप बस से आ सकते हैं, आप कार से आपकी मर्जी है। अगर बस से आएंगे तो 1 घंटा से कम लगेगा, या 1 घंटा मैक्सिमम आप सोच लीजिए कि खिदिरपुर बॉडीगार्ड बोलिएगा बस वाले को लक्ष्मी मंदिर जाना है, तो कोई भी ला देगा, ज़्यादा दूर वैसे पड़ता नहीं है और इतना परेशानी है, बिल्कुल रोड पे ही है ये लक्ष्मी मंदिर, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं और दर्शन कीजिए। और खिदिर में बहुत कुछ और भी है, शंकर भवन का मंदिर है और जगन्नाथ टेम्पल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा अब थक गया है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों अभी से ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा आपको एरिया वगैरह घुमाएंगे और फिर चलेंगे घर, और पैर बदन भी बहुत दुख रहा है, पता नहीं क्या हो गया, तो इसीलिए और मंदिर नहीं जा पाएंगे। सोच के तो आए थे कि और मंदिर भी जाएंगे, लेकिन इच्छा नहीं हो रहा कि आगे मंदिर जा पाएंगे,
तो अभी चलते हैं पहले रास्ते में, और रास्ते में चलते चलते थक गए। स्टेशन खिदीपुर स्टेशन जाना है, तो इधर गाड़ी वाड़ी भी नहीं जा रहा है स्टेशन की तरफ, रोड से जाएगा। तो अभी चल रहे, लेकिन हम हस्बैंड को बहुत देर परेशान हो गए कि नहीं जा पाएंगे अब। और इसके बाद ट्रेन में मैं सो गई थी, और ये देवर मेरे थे, वही वीडियो मेरा बना दिया। पर मेरा बहुत तबीयत, रास्ते में ही बता रहे थे कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया और फीवर हो गया, बदन भी दुख रहा है, और साथ में हस्बैंड का भी हो गया है। तो ब्लॉग बस इतना ही करते हैं। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। और ज़्यादा वीडियो बनाना मेरा मुश्किल है, और वैसे भी देवर ही